ठीक है, लेकिन कीर्ति निधि जी क्यों देखेगा सपा की तरफ पिछड़ा, पिछड़ा वोटर क्यों देखेगा, जरा बताइए आप में क्या खूबी है, क्यों देखे आपकी तरफ? आपके आपके ये आरोप लगाती है बीजेपी के, आपके टाइम में तो अत्याचार होते थे, मारा जाता था पिछड़ों को, पीटा जाता था, केस तक नहीं लिखे जाते थे, ये लोग तो ये तक आरोप लगाते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 1% पिछड़ों का हक नहीं मारा गया। जहां भी नियुक्तियां हुई है पिछड़ों का पूरा 27% आरक्षण उनको दिया गया। तो कीर्ति जी बता दीजिए ना, आपने क्या योजना चलाई जो पिछड़ों के हित में थी, आप बता दीजिए, अखिलेश के राज में या मुलायम के राज में आप बता दीजिए एक भी योजना कुछ इस तरह की अच्छी चलाई आपने। बताता हूँ, आपने बताया ना जयप्रकाश जी आपने कहा ना कि आवास, आपने कहा राशन पिछड़ों को सबको मिलता है, हमने लैपटॉप दिया क्या किसी जाति विशेष के लोगों को दिया था क्या, हमने कन्या विद्या धन दिया किसी जाति विशेष को दिया था क्या, हमने साइकिल वितरण किया किसी जाति विशेष के लोगों को दिया था क्या, हम 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे किसी जाति विशेष के लोगों को दिया था क्या, हमने लगातार जो केजी से लेकर केएमए तक की शिक्षा मुफ्त किया था किसी जाति विशेष के लोगों के लिए किया था क्या, क्या इसमें पिछड़े जाति के लोग नहीं आते थे क्या? और मैं तो जो सवाल पूछा जाए प्रकाश जी उसका जवाब कोई प्रवक्ता बीजेपी का नहीं देता, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि 17 एसोसिएट प्रोफेसर में एक भी पिछड़ी जाति के व्यक्ति की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? दीपक जी जवाब देंगे आप, दीपक जी एक इस बात का जवाब दे पाएंगे आप? देखिए इन्होंने कहा कि हमने किसी हित की बात नहीं करी, मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ 17 से पहले कितने अपराधियों को साथ देने का काम आपने किया, कितने माफियाओं को साथ, ये पिछड़ी जाति के लोग पैमानों को उठा करके देख लीजिए कि किस तरीके से जब भर्ती निकलती तो झोला तैयार हो जाता था और जितना जितनी मोटी रकम उसकी और उतनी जल्दी उसकी भर्ती। आज यहाँ काबिलियत देख करके भर्ती दी जाती है, उसके उदाहरणपुर दी जाती है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। आप उसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आप लोग पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं, देखिए आज जनता उस बात को जानती है, जनता ने उस बात को ठीक है। मैं लौट रहा हूँ कीर्ति निधि जी, मैं लौट रहा हूँ दीपक सोनकर जी, लौट रहा हूँ अजीत हमारे साथ जुड़े। अजीत अजीत अब थोड़ा समीकरण को समझाइएगा क्योंकि मायावती देखिए अकेले लड़ेंगे क्योंकि मायावती भी दलित और पिछड़ों की राजनीति करती रही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार तो चलिए साथ मिल गया था लेकिन फायदा मायावती ले गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में। अब स्थिति क्या बनेगी, मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी है, ओपी राजभर भी अब देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, तो ये स्थितियां क्या ये बीजेपी के लिए मुफीद बनने वाली हैं या ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए बहुत आसान राह होगी? देखिए बिल्कुल बीजेपी अपर हैंड जरूर है समाजवादी पार्टी और के पीछे। कल आपने देखा मायावती ने जैसे कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद अब्दुल रहमान जो है शफीकुर रहमान बर्क है संभल के, उन्होंने कह दिया पिछड़ों की अगर कोई हितैषी है तो मायावती है, मायावती की जरूरत देश को है। तो ये क्या समाजवादी पार्टी में भी फूट पड़ रही है क्या, मुस्लिम जो बड़े नेता हैं वो बीएसपी की तरफ रुक करें? दूसरी बात जो आप समीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक है, मोस्ट बैकवर्ड का मिला के लगभग 40% से ऊपर का वोट बैंक है। बीजेपी कहीं ना कहीं 2014, 2019 और 2022 तीनों चुनाव में कामयाब रही है इनका वोट लेने में, और अब बीजेपी मास्टर प्लान बना रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांव-गांव जा रहा है, बीजेपी की जो कमेटियां अलग अलग बनाई गई हैं, एक आयोग अलग से बीजेपी के जो सरकार का है वो अलग से काम कर रहा है, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत दबाव बनाया, बहुत प्रेशर बनाया कि बीजेपी आरक्षण नहीं देना चाहती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निकलकर सामने आए, उन्होंने कहा कि हम बगैर ओबीसी आरक्षण के उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव नहीं कराएंगे, भले ही हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट के आदेश पर डेडिकेशन कमीशन बना, कमीशन अपना काम कर रहा है। दूसरी बात उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछड़ों पर फोकस कर रही है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, जाट बिरादरी से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं भूपेन्द्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, अनिल राजभर, आप ऐसे बहुत सारे नाम हैं। सहयोगी दलों की बात करें तो आशीष पटेल जो सरकार में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, संजय निषाद यहाँ मिनिस्टर हैं, तो आप ये समझिए कि जो जाल बिछाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको
तोड़ना, एक क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि अखिलेश यादव लगातार उस पर बात कर रहे हैं, अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। वो भी देखिए, शिवपाल सिंह यादव से 1.5 घंटे मुलाकात हुई, कहा जा रहा बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी चुनाव में उनको, संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी, आदित्य यादव को दी जाएगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो लिफ्ट जारी हुई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की, उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता का नाम नहीं है। तो ये कई सारे सवाल जो अभी हैं वो समाजवादी पार्टी को देखना होगा। पिछड़े की राजनीति उत्तर प्रदेश में सतह पर आ गई है, अब बगैर इसके आप उत्तर प्रदेश में राजनीति सियासत नहीं कर सकते। अगर आपको सीटें ज़्यादा जीतना होगा तो पिछड़े वर्ग को साधना होगा, और बीजेपी एक हद तक इसमें कामयाब होगी, और वो और पार्टियों से एक कदम आगे हैं। आज ही देखे जो सोशल मीडिया है उसकी ट्रेनिंग होने जा रही है, IT सेल को मजबूत किया जा रहा, बीजेपी डिजिटली चुनाव लड़ने जा रही है, और पार्टियां अभी उनसे काफ़ी पीछे हैं। मायावती अलग लड़ेंगी, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आ जाएंगे जो अभी तक खबरें आ रही हैं, बाकी दल अलग अलग लड़ेंगे, कांग्रेस अलग लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगा वो बीजेपी का मुकाबला अकेले लड़के नहीं कर सकता, ये सच है। बिल्कुल, मैं लौट रहा हूँ कीर्ति दीजिए, एक बड़ी बात है, आप जो फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में चलिए आप मुसलमान और कहीं ना कहीं जाटों को साधने की कोशिश करें क्योंकि RLD आपके साथ है, लेकिन पूर्वांचल में आपको पिछड़ों की जरूरत है, पूर्वांचल में कैसे स्थिति करेंगे? और देखिए, अब जो जिस तरह का जिक्र अजीत ने कहा कि कल एक बयान था शफीकुर रहमान बर्क, जो आपके सांसद है, आपकी पार्टी के सांसद है, वो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि मायावती ने पिछड़ों के दलितों के हित में काम किए, ये इशारा क्या है? उनमें नाराजगी है तो फिर मुस्लिमों को कैसे साध लेंगे? आपकी तो दिक्कत है ना सर, आपके लिए भी रहा इतनी आसान नहीं ना 2024 की। जयप्रकाश जी, चुनाव है तो चुनौती भी है, जब चुनाव लड़ना रहता तो चुनौतियां तमाम है, लेकिन अब अभिमन्यु महाभारत वाले समय की अभिमन्यु नहीं है। समाजवादी पार्टी इस दौर में है और सारे चक्रव्यूह तोड़ेगी, दलितों का आरक्षण बचाने के लिए, पिछड़ों का आरक्षण बचाने के लिए, और समाज के सभी लोगों के मान सम्मान को बचाने के लिए, सबके हक को बचाने के लिए, किसानों के सम्मान को बचाने के लिए। व्यापारी जो GST की कल तक वकालत करता था, जब छापेमारी हुई तो अपने दुकानों के शटर गिरा करके भागना शुरू कर दिया। नहीं कीर्ति दीदी, मुझे बताइए ना, बर्क साहब के बयान पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे कि मुस्लिम समाज के लिए भी उन्होंने काम किया, ये तो आपके लिए आपकी सेंधमारी हो रही है ना आपके वोट बैंक में। देखिए, कोई सेंधमारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विकल्प, वो है समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव। और निश्चित रूप से जब चुनाव होगा तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए संकल्पित है, पिछड़ा हो, दलित हो, समाज का अन्य वर्ग हो, सब के सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि सबका हक मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस देश के अंदर जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया पिछड़े दलितों को, वो आरक्षण भी अब समाप्त करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है, पूरी तरीके से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करने की तरफ अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पिछड़े और दलितों का आरक्षण समाप्त करने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बात पिछड़ा समाज भी समझता है और दलित समाज के लोग भी समझ रहे हैं।